गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और मेरा हालात आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए गाइस, तो आज मैं बहुत ही एक स्पेशल चीज दिखाने वाला हूँ आपको। आज ब्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं था मेरा, एक बहुत ही खास दोस्त से मेरा मुलाकात हुआ तो उसने एक चीज इन्वेंट किया है तो मेरे को बोला चल देखते हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ देखने। तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को भी दिखाना चाहिए और इसका टैलेंट जो है वो शेयर होना चाहिए। ये है मेरा दोस्त जिसका नाम है दिनेश विश्वास, वो अभी फिलहाल बीटेक कर रहा है सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तो फोर्थ ईयर में है हम लोग का बंदा। हमको भी पता नहीं, मेरा खास दोस्त बोल रहा था, मेरे को पता ही नहीं है कौन सा यार का है। चलो जो भी है, चीज क्या बनाया वही देखने का है, ठीक है। बहुत खास चीज बना दिया बंदे ने। चलो घर का माहौल देखो, कितना हरियाली ही हरियाली दिखेगा आपको जिस तरफ भी दिखे, बहुत मस्त जगह है। तो हम लोग अभी उस तरफ थे, अभी इस तरफ भाई का घर जा रहे हैं। का चीज बनाया ना, हम लोगों को फ्री का सर्विस मिलता है, ठीक है। बहुत पैसा बचा दिया भाई का चीज लिए, ये है सबसे खास बात। इतना पैसा बचा दिया ना, मतलब मैं बोलूंगा चीज देखो उसका बाद बोलूंगा पैसे कैसे बच गए हम लोगों का। बहुत दोस्त का घर में भाई का इन्वेंट ये रहा। नहीं नहीं ऐसा नहीं दोस्त, आप लोग बुरा मत सोचिए, भाई का इन्वेंट ही नहीं था ये, तो एक प्यारा सा चीज था, कॉम्प्लीमेंट्री एक चीज था जो आप लोगों को दिखाने के लिए था। ये बहुत ही प्यारा है, भाई का घर में बहुत सारा फिश भी है और असली जो चीज है वो आपको दिखेगा अभी और इतना देर वक्त के बाद आप लोगों को दिख ही जाएगा। घूमते मुझे दिख गया भाई का घर। भाई भाई का सामान देखो, ये है भाई का बीबी गर्लफ्रेंड कुछ भी बोलो, यही है भाई का सब कुछ। भाई का चीज तो देखो, ओ भाई मेरा दोस्त है कि साइंटिस्ट है पता नहीं है, घर को पूरा बदल दिया। मैं बहुत दिन पहले इसका घर आया था, आज आया तो कुछ हालात ही दूसरा ही कुछ दिख रहा है, पूरा ही मानो चेंज हो गया लड़के का घर। ठीक हम लोगों का दिनेश भाई अभी अलग ही लेवल पे उड़ रहा है और उसका चिंता भावना भी अलग ही चीज पे है। तो रुको दिखाते हैं आप लोगों को क्या है। इंट्रा ये ग्रेट साइकिल, ठीक है, ये साइकिल नहीं है ग्रेट साइकिल है, क्योंकि साइकिल में इतने सारे फीचर्स दिनेश भाई ने खुद के जुगाड़ से दिए हैं, इतना अच्छा कि मैं सोच नहीं सकता था कि इतना अच्छा। जो अंधेरी का प्रॉब्लम है उसके लिए है हेडलाइट। अब दिनेश भाई इसका हॉर्न दिखाओ आप एक बार। इसका हॉर्न कस्टम मेड है, बाजार से बनाया है और ये स्विच भी अलग से लगाया। इसका हॉर्न है, इसका लाइट है। तो आप लोगों का भी हेडलाइट दिख रहा है, दिन को पता नहीं चलेगा। एलईडी बोल के पता नहीं चलेगा, इसका लेफ्ट राइट इंडिकेटर है। हाँ इसका इंडिकेटर भी है। अभी भी पूरा काम नहीं हुआ, इसका इंडिकेटर लगाएगा। क्या काम नहीं हुआ अभी तक? अभी इंडिकेटर का काम नहीं हुआ अभी तक, बैटरी का काम चल रहा। कस्टम मेड बैटरी है, इसका खर्चा कोई गिरता तकरीबन 8-9 हजार बैटरी का। हाँ और मैं घर में इसको बनाया 3,500 में। 3,500 में? हाँ बोलने से आप तो 3 गुना खर्चा घटा दिया पूरा। With BMS 3,500 में कम्प्लीट, जो 9,000 गिरता है। हाँ। मोटर कितना वोल्ट का भैया? मोटर है आपका 24 वोल्ट, 250 एम्पियर। बढ़िया, अच्छा RPM है। देख तो मतलब ये जो दिख रहा है मेरे को दोनों तरीके से चलेगा, एक जो है बैटरी देने से चलेगा, मतलब अब एक्सेलेटर दो तो भी चल रहा है बैटरी कनेक्शन से, ठीक है। और बैटरी कहीं पे खत्म भी हो जाए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे इसको रखो, इसको पैडल करना चालू कर दो, ठीक है, जैसे हम लोगों का डेली लाइफ का साइकिल होता है बन गया वैसा। फिर आप घर में आके चार्ज दो, फिर बैटरी लेके निकल जाओ। मतलब इस बैट में खासियत है, एक चार्ज पे 45 किलोमीटर जाता है। एक चार्ज पे 45 किलोमीटर, 8 रुपया एक चार्ज का खर्चा पड़ेगा। एक चार्ज 8 रुपया, मतलब एक यूनिट करीब करीब चार्ज खाता है और एक चार्ज में 45 किलोमीटर जाता है। 45 किलोमीटर 8 रुपये में जा रहा है, 16 रुपये में 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर करीब करीब चल जाएगा सिर्फ 16 रुपये में। ये जो साइकिल इन्वेंट किया है दिनेश भाई ने, पूरा खुद का हाथ से पूरा घर में बनाया, कोई वर्कशॉप नहीं, कोई अलग चीज नहीं, दिनेश भाई पूरा खुद का मेहनत से खुद का नॉलेज से घर पे बनाया है। तो ये जो साइकिल है हम लोगों का यूथ के लिए बहुत खर्चा बचाने वाला चीज है, क्योंकि तेल का महंगाई सबको पता है, बहुत बढ़ रहा है तेल का महंगाई। तो साइकिल जो है कहीं पे आप चार्ज पे, ऐसे नहीं किसी बैटरी से चलता है, कहीं चार्ज खत्म भी हो गया तो पैडल मार के भी ला सकते हो। ऐसे दिखाया कि यहाँ पर है पहले चाबी, कि आपका साइकिल कोई साइकिल चोरी ना कर सके। तो भैया चाबी पहले ऑन कर दिया, ये इसका चाबी है, पूरा मोटर का कनेक्शन, इससे चाबी एक्सेलेटर लाइन आता है। इसमें स्पीड दिखता है क्या? स्पीड नहीं, इसमें वोल्टेज दिखता है। वोल्टेज दिखता है, तो ये वोल्टेज मीटर है, कितना बैटरी में परसेंटेज चार्ज है वही दिखाता है इसमें। और यहाँ पर दो स्विच दिख रहे हैं, क्या क्या स्विच है भैया? ये कस्टम स्विच है, हॉर्न का है। तो आप चाबी ऑन कीजिए, हॉर्न मार के दिखाइए। तो दोस्तों बहुत ही लाउड हॉर्न है, आराम से कान में सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है लोकल यूज के लिए। और लाइट, लाइट है लाल स्विच, लाइट के लिए इंडिकेट किया हुआ है। हाँ। लाइट भी बहुत बढ़िया है। और भाई ने जैसे बोल के ही रखा कि इंडिकेटर का सिस्टम दिया हुआ है पर अभी तक काम बाकी है इसमें बहुत सारा, तो भाई कर रहे हैं। फ्रेम बनाना होगा, इधर बैटरी बैठेगा, ये बैटरी है, इसके साथ और भी दो लीड एसिड बैटरी बैठेगा और रिजर्व के लिए, इसका चार्ज खत्म हो जाने से 20 किलोमीटर वाला बैकअप देगा। इसमें मुझे इतना सारा फीचर्स दिखा कि कोई कमी नहीं दिखा,
तो ये जो सिस्टम है मेरे को सबसे बढ़िया लगा कि आप मोटर से चलाओ या फिर पैडल करके, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आपको। और इसका स्पीड भी बहुत अच्छा होता है, मैं जैसे 30 किलोमीटर करीब करीब आसपास चलता है, 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से साइकिल, ठीक है। नया प्राइस है 19,000। इसका नया प्राइस 19,000 इसका हीरो का यही सेम मॉडल में आपको हीरो का मिलता है 29,000 से स्टार्टिंग होता है। 29,000। तो आप ऐसा हीरो साइकिल देके आप अगर बेचोगे तो आपका प्राइसिंग क्या रहेगा? आप जिससे ऐसे कि दोस्तों इसमें बहुत सारा काम बाकी है, जैसे कि इंडिकेटर लगेगा बहुत कुछ, और ऐसे तो सिक्योरिटी के लिए लॉक वॉक सब दिए ही है। पूरा असेंबल करके बैटरी छोड़ के, हाँ, अगर साइकिल छोड़ के, हाँ, अगर सोचो कि आपका पास साइकिल है, हाँ, अब मेरे को ला के दिया, हाँ, बैटरी और मोटर के लिए आपको 14,000 गिरेगा, 40 किलोमीटर का ऊपर माइलेज देगा। अब बना के दोगे? अब बना के पूरा दे दूंगा। 14,000 में बोलने से ए मोटर नहीं आएगा, उसमें हब मोटर फिट हो जाएगा। इधर 14,000 में जो रेट है वो इधर छोटा मोटर आएगा क्या? छोटा नहीं, वो पीएलडीसी मोटर होता है। पीएलडीसी मोटर होता है, वो उसको इधर फिट करना पड़ेगा, वो रिंग का सब फिट हो जाएगा। इसके साथ फिट होगा, वो भी आप पैडल कर पाओगे और ये भी चल पाओगे। इसमें भी सेम प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसमें जो है आपको खर्चा कम पड़ेगा, 10,000 में कम्प्लीट। ये 10,000 में कम्प्लीट हो जाता है। बाहर मोटर लगाने से 10,000 और इधर पीएलडीसी मोटर लगाने से आपको 14,000। जो 32 वोल्ट 350 वाट कोशिश कर रहे हो आगे इसका मार्केटिंग के बारे में, आप कुछ सोच रहे हो? हाँ, मार्केटिंग के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा 3 साइकिल ऑर्डर आया है। 3 साइकिल का ऑर्डर आपके पास फिलहाल है? फिलहाल है। कोई अगर फंडिंग करना चाहे आपको, आपका शेयरिंग में आना चाहे, हाँ, आ सकते हैं। डीटीसी मोटर, तो मैं आपका नंबर यहाँ पर दे सकता हूँ यूट्यूब में मेरा वीडियो में, तो मैं मेरा दोस्त का दे दूंगा आपका नंबर। अगर कोई आप इनसे मिलना चाहते हो या फिर साइकिल ऑर्डर करना चाहता है या फिर आप इसके साथ मिलके काम करना चाहते हो, क्योंकि लड़का अभी फंडिंग का जरूरत है, लड़का खुद पढ़ रहा है, पढ़ते काम कर रहा है, खुद का साइड में घर में बना रहा है, कोई इसको सपोर्ट करना चाहता है, लड़का आगे जाने के लिए तैयार है, कोई सपोर्ट भी करना चाहता है तो साथ में बढ़िए, इसका नंबर मैं दे दूंगा। ठीक है धीरेज भाई, कैमरा भी पकड़ देगा मेरे लिए, बहुत ही अच्छा है धीरेज भाई। तो दोस्तों मैं अभी लूंगा इस हैंडमेड साइकिल के टेस्ट ड्राइव, तो मैंने चाबी कर लिया और जय बजरंगबली। अब मैं साइकिल पैडल भी कर रहा हूँ, चल रहा है। अब मैं इसको एक्सेलेरेटर मोड़ता हूँ, अरे दोस्तों साइकिल चलने लगा, और मोड़ता हूँ तो स्पीड भी बढ़ रहा है। मस्त है कि मैं एक्सेलेरेटर में हाथ रख रहा हूँ तो साइकिल ऐसे ही भाग जा रही है, हवा की तरफ से, आवाज भी नहीं दे रहा कुछ। मजाक है क्या? और दोस्तों ये एक चीज है जो साइलेंट में धमाका है, इसका कोई आवाज नहीं है पर एक चीज ही पूरा धमाका है। इसका एक्सेलेरेटर में मैंने बस हाथ रखा है, हवा से बात करने लग गया मानो, ना कोई आवाज है, ना कोई कुछ बग्स है, ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। ये साइकिल एकदम मस्त चल रहा है, ठीक है। साइकिल में ना कोई बग्स है, ना कुछ नहीं, कुछ रुकावट नहीं, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साइकिल एकदम फ्री, एकदम मस्त मक्खन की तरह चल रहा है, मानो कोई कंपनी से मैं ब्रांडेड, कोई नामे जाना कंपनी से मैं खरीद के कोई प्रोडक्ट लगा के आया, ऐसा चल रहा है। दिनेश भाई ने ऐसा बनाया, इस पे अभी दिनेश भाई डबल कैरी करेंगे, जैसे कि दोस्तों दिनेश भाई अभी डबल लेके चले गए। साइकिल का हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव लिया, तो मानो ही मत, मतलब क्या बोलूं, साइकिल एकदम मक्खन है, गाड़ी से भी अच्छा चल रहा है, मेरे को तो चला के बहुत मस्त लगा। तो मैं सोच रहा हूँ घर में जाके आज बोलूंगा मुझे दिनेश भाई का एक साइकिल खरीदना है अभी फिलहाल। देखिए बस एक्सेलेटर में हाथ रखा और एकदम चक्का एकदम हवा से बात करने लग गया, बस पैडल भी काम कर रहा है इसका साथ ही में। अब ब्रेक मारिए भैया, बहुत जोर से घूम रहा, यहाँ पर खत्म करने वाले है, पर मेरा जो एक्साइटमेंट है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ इस चीज को लेके, क्योंकि चीज जो लगा मेरे को बहुत ही कमाल का लगा, मैं खुद चलाया, खुद फील किया, जो एक्सपीरियंस है दोस्तों मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर ही नहीं पाऊंगा। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज रहेगा, आप दिनेश भाई का नंबर दिया रहेगा, अब दिनेश भाई से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेना, बात कर लेना, खुद टेस्ट कर लेना। चलिए दोस्तों अच्छा रहिए, सुस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।